Hi guys, welcome back to my channel. My name is Ishmita, and जैसे कि आपने मेरे last vlog में देखा है होगा कि हम लोग वापस आ चुके हैं. हम लोग short vacation पे गए थे 3 days की अलीबाग, and हम लोगों ने बहुत enjoy किया. तो बस हम लोग वापस आ गए हैं and back to normal life, back to normal routine. तो इसलिए अब जो मैं आज का व्लॉग बना रही हूँ वो भी सॉर्ट ऑफ नॉर्मल व्लॉग ही है. तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है. अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. कोई चार्ज नहीं लगेगा आप लोगों का, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना. एंड कोई भी आप मुझे अपना सजेशन देना चाहते हो, कुछ भी बताना चाहते हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज का टॉपिक है, जैसे आपने टाइटल में देख लिया होगा, 5 यूजफुल टिप्स टू टेक केयर ऑफ योर बेबीज इन मॉनसून. जब समर्स आए थे तो मैंने एक व्लॉग बनाया था कि ऐसे कौन से यूजफुल टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए समर सीजन में. तो सिंस अब मॉनसून आ गया है, बॉम्बे में आ गया है एटलीस्ट, आई एम श्योर कुछ टाइम में बाकी पार्ट्स में भी आ जाएगा, बिकॉज नॉर्दर्न इंडिया में अभी मॉनसून नहीं आया है. बट बॉम्बे में जैसे आप न्यूज़ देख सकते होगे, मुंबई में अच्छे से मॉनसून आ गया है. सो आई थॉट कि मुझे अब इस टॉपिक पे ब्लॉग बनाना चाहिए. तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन से 5 यूजफुल टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं स्पेशली इन इस मॉनसून के सीज़न में. सब ये उन मॉम्स के लिए भी हैं जिनके अभी बेबीज हुए हैं या जिनके लिए ये फर्स्ट मॉनसून है, एंड उन मॉमीज़ के लिए भी हैं जिनके बच्चे 2 साल के हैं, 3 साल के हैं. तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है. सो सबसे फर्स्ट टिप है क्लीनलीनेस ऑफ द हाउस. जैसे ही मॉनसून आने लगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको देखना चाहिए आपके घर के अंदर या आपके एरिया में, आपके घर के आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो जहाँ पे पानी इकट्ठा हो. बिकॉज़ क्या होता है कि जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे मॉस्किटोज़ होने का डर रहता है. तो आप लोगों को ऐसे कोई भी एरियाज़ नहीं रखने हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा है. आपको जहाँ पे ऐसा है तो आपको वो रिमूव करना है, आपको ड्रेन करना है पानी. क्लीनलीनेस रखनी है आपको घर में, जितना हो सके आप अपने घर को क्लीन रखिए, अपने आप को क्लीन रखिए जितनी जल्दी, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो. आप टाइम टू टाइम अपने हैंड वॉश कीजिए, ज़रूर वॉश कीजिए, या आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं. तो अब आपको अपने आप को क्लीन रखना है. ऑल्सो जितना पॉसिबल हो आप अपने बेबी के, जब आपका बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसके आप हैंड्स क्लीन कर सकते हैं, अंडर आर्म्स या जो भी ऐसे एरिया जहाँ पे ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आपको उसको फ्रीक्वेंटली क्लीन करना, बिकॉज क्लीनलीनेस इज़ मस्ट. सो इसी से रिलेटेड जो सेकेंड टिप है, दैट इज़ कि कीप मॉस्किटोज अवे फ्रॉम योर बेबी. बिकॉज़ रेनी सीजन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ आ जाते हैं, एंड उससे बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं. तो जितना पॉसिबल हो अपने बच्चों को मॉस्किटोज से दूर रखिए. आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप उसके क्रिप के या जहाँ पे वो सोता है उसके आसपास आप एक मॉस्किटो नेट यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन स्पेशली फॉर द न्यूबॉर्न्स. बट अगर आपका बेबी थोड़ा बड़ा है, 1 ईयर का है या 2 साल का है, तो आप जब वो बाहर जा रहा है इवनिंग में या फिर कभी भी वो बाहर जा रहा है, तो आप उसके कपड़ों पे मॉस्किटो रेपेलेंट लगा सकते हैं. आजकल मॉस्किटो रेपेलेंट्स आते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं, वो उसको आपको बस उनके कपड़ों पे लगाने होते हैं 4 डॉट्स, तो दे आर गुड टू गो. तो आप ऐसे मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़ कर सकते हैं. एंड आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को डर्टी एरिया से या ऐसी जगह जहाँ पर मॉस्किटोज़ आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जाने से अवॉइड कीजिए. तो ये कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बिकॉज इस टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को मॉस्किटोज से दूर रखना. ओके, सो जो थर्ड टिप है, दैट इज़ कंफर्टेबल क्लोदिंग. क्लोदिंग हर मौसम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को क्या पहना रहे हो. एंड जैसे आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी वेदर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को कॉटन पहनाएं. आप विंटर्स में भी कॉटन पहनाएंगे, बट ऑब्वियसली आपको उसके ऊपर लेयरिंग करनी पड़ेगी. बट अदरवाइज आप कॉटन इज़ द बेस्ट
फैब्रिक फॉर योर बेबी. तो आपका बच्चा कितना भी बड़ा है आप उसको कॉटन के क्लोथिंग पहनाया बिकॉज वो बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथिंग होता है एंड ब्रीदेबल फैब्रिक होता है. तो स्पेशली मॉनसून में जैसे बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो कॉटन का जो कपड़ा है वो स्वेटिंग को या जो पसीना आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है एंड कम्फर्टेबल रहता है वो. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बच्चे को कॉटन की क्लोथिंग पहनाओ. देन अगर बच्चा बाहर जा रहा है, बाहर खेलने जा रहा है या जहाँ भी जा रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको फुल स्लीव्स की कॉटन की टी शर्ट एंड नीचे भी जो आप फुल स्लीव्स के पजामाज या लेगिंग्स पहनाए बिकॉज मॉस्किटोज का टाइम है एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आप बच्चे को थोड़ा बहुत कवर रखें. प्लस मानसून होता है तो थोड़ा सा ठंडा रहता है वेदर. तो सबसे बेस्ट क्लोथिंग होती है मानसून में कि आप बच्चे को कवर रखें, फुल स्लीव्स पहनाए ऊपर भी एंड नीचे भी. कोशिश कीजिए कि जितना कवर कर सके आप कवर कीजिए. देन नेक्स्ट थिंग इसमें यह आता है कि जो बच्चे की नैपी है या डाइपर है वो आप फ्रीक्वेंटली चेंज कीजिए बिकॉज अगेन ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाता है वो एरिया. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें एंड जब भी पॉसिबल हो आप अपने बच्चे को डाइपर फ्री टाइम ज़रूर दीजिए बिकॉज दैट इज़ मस्ट. अदरवाइज क्या होगा, बच्चे को डाइपर रैश हो जाएगा. तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मॉनसून में क्या होता है कि कपड़े सूखते नहीं हैं बिकॉज बाहर बारिश होती है या धूप उतनी होती नहीं है तो कपड़े अच्छे से सूखते नहीं हैं. तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि किसी भी वे में हल्का सा भी गीला कपड़ा आपको बच्चे को नहीं पहनाना है. या जैसे थोड़े से जो ठंडे होते हैं लास्ट में, पूरे सूखते नहीं हैं, ठंडे ठंडे कपड़े होते हैं, वो भी नहीं पहनाना है. उससे क्या होगा कि बच्चे को बीमार होने का डर रहेगा. अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, नहीं अंदर सूख रहा है, हैंग कर दीजिए उस पर. उससे क्या होगा कि जो उसका वो थोड़ा ठंडापन है कपड़े का वो चला जाएगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को हल्का सा भी गीला कपड़ा या ठंडा कपड़ा ना पहने. देन द फोर्थ टिप इज दैट फूड शुड ऑलवेज बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड. अगर आपका बच्चा न्यूबॉर्न है या छोटा है एंड अभी भी ब्रेस्ट फीड कर रहा है या फॉर्मूला फीड कर रहा है देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अगर आपका बच्चा 6 months से बड़ा है एंड उसने वीनिंग स्टार्ट कर दी है या सॉलिड्स या सेमी सॉलिड्स ले रहा है तो देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉनसून के टाइम में आप अपने बच्चे को फ्रेशली कुक्ड फूड ही खिलाएँ. पुराना कोई खाना या कल का बचा हुआ खाना बिल्कुल नहीं खिलाएं बिकॉज ये ऐसा टाइम होता है जहाँ बैक्टीरियाज फूड पे बहुत जल्दी आते हैं. मॉनसून में मॉइस्चर है आपके आसपास तो बहुत जल्दी फूड पे आते हैं. उससे क्या होता है, बच्चे की तबीयत ख़राब हो सकती है, उसको लूज मोशंस हो सकते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेशली कुक्ड फूड ही खिलाएं आप उसको. जो पानी दे रहे हैं अपने बच्चे को वो अच्छे से बॉइल्ड वाटर होना चाहिए. ऐसे नहीं है कि कहीं का भी आप पानी पिला दो बिकॉज इस टाइम पे पानी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. बच्चों को क्या, इवन बड़ों को भी ध्यान रखना चाहिए, आप कहीं से भी लेके पानी मत पीजिए. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एंड स्पेशली अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है और उसे आप फॉर्मूला फीड करा रहे हैं तो जो आप उसमें पानी यूज़ करेंगे वो बॉइल्ड वाटर होना चाहिए. जो बच्चे के यूटेंसिल्स हैं उसको आपको अच्छे से क्लीन करना है. और छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न है, तो उसको स्टेरलाइज करना बहुत ज़रूरी है. थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो ठीक है, आप उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे का फूड अपने साथ कैरी कीजिए, फ्रेशली कुक करिए और साथ में कैरी कीजिए उसको. बाहर का ज़्यादा खाना इस टाइम पे, इस मौसम में, मॉनसून के वेदर में अवॉइड कीजिए. एंड जैसे बाहर के फ्रूट्स होते हैं, कट फ्रूट्स होते हैं या कट सैलड होता है या कर्ड होता है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी अपने बच्चे को नहीं देनी है बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा, ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, ये फूड होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया अट्रैक्ट करते हैं. तो ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल नहीं खिलानी. इनकेस आप कहीं बाहर हो और आपके पास कुछ नहीं है तो आप ऐसी चीज़ अपने बच्चे को खिलाएं जो प्रॉपरली कुक्ड हो एंड रादर हॉट होनी चाहिए, थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए. तो ऐसे आपको अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इमरजेंसी है, तो आप ऐसी कोई चीज़ें ढूंढिए जो प्रॉपरली कुक्ड हो और हॉट हो. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी खिलाएं वो हाइजीनिक होना चाहिए.
अगर आपको बाहर से कुछ खिलाना पड़ रहा है अपने बच्चे को, तो वो हाइजीनिक जगह से खिलाइए, जो नॉर्मल रेडी वाले होते हैं या जो वैन वाले होते हैं, जो ऐसे कियोस्क लगा के बैठे होते हैं, प्लीज़ मॉनसून में स्पेशली वहाँ से बच्चे को कुछ मत दीजिए। रादर आप लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज मॉनसून एक ऐसा टाइम है जब बहुत ज़्यादा बच्चों को बीमारियाँ लग सकती हैं, कोल्ड काफ फीवर कुछ भी आपको बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना हो सके आप सेफली चलिए एंड ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। देन द लास्ट एंड द फिफ्थ टिप इज दैट निप द इन्फेक्शन इन योर बेबी। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को ध्यान से देखें, आपको अलर्ट रहना चाहिए, बिकॉज मॉनसून में मोस्टली बच्चे वायरल इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। देन सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू शुड ऑलवेज लुक फॉर द इन्फेक्शंस, कि अगर उसको फीवरिश हो रहा है बच्चा, या हेडेक हो रहा है, स्नीज कर रहा है, कोल्ड हो रहा है, कोई भी ऐसे बेसिक सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ये मोस्टली वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो मॉनसून में अक्सर बच्चे कैच कर लेते हैं। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एंड अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीधा डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, बिकॉज क्या होता है वायरल इन्फेक्शन फिर बहुत ज़्यादा, अगर आप उसको अवॉइड करोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इट्स बेटर कि आप इमिडिएटली इसको आप अपने जो भी बच्चे के पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए, और जितनी जल्दी हो सके आप बच्चे को मेडिकेशन दिलाइए। सो दिस इज़ द मस्ट थिंग। सो ये बेसिकली 5 मेरे टिप्स थे जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली मॉनसून के टाइम में, बिकॉज क्या होता है कि मॉनसून एक ऐसा टाइम है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ते हैं और बारिशें होती हैं, तो यू नो बहुत अनहाइजीनिक रहता है बच्चों के लिए एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, फूड, तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। सो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, एंड मैं मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। सो ओके गाइज, टेक केयर, बाय, सी या।